जौनपुर में डेंगू के 3 मरीज मिले हैं। बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच में एक महिला समेत 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। मरीजों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू मरीजों के घर पहुंची और परिजनों के सैंपल लिए। 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, इसमें से 2 लोग महाराजगंज ब्लॉक के हैं और 1 बदलापुर बाजार के हैं। इसमें जो है 50 घर का सर्वे कर लिया गया है, इनके परिवार की जांच हो गई है, सैंपल इनका BHU भेज दिया गया है जांच के लिए। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर जारी है। ऐसे में अस्पताल में मरीज डिस्चार्ज होकर घर भी लौट रहे हैं। ऐसे मरीजों को घर पहुंचाने का बीड़ा एक युवा ने उठाया है, जो मरीजों को अस्पताल से घर तक पहुंचाने के काम में लगा है। डेंगू के महाप्रकोप के बीच में अगर बात की जाए तो समाज सेवी संस्थाएं भी अब आगे बढ़ के आ रही हैं। ऐसे में एक छोटू फाउंडेशन करके समाज सेवी संस्था है, जिसने ये बीड़ा उठाया है कि जो मरीज यहाँ से सही होगा उसको ये यहाँ से सुविधा मुहैया कराएंगे और वो यहाँ से ई रिक्शा के माध्यम से अपने घरों तक पहुँचेगा। देखिए, कुछ लोग हैं जो अपने बच्चे को लेकर इस वक्त यहाँ से जा रहे हैं और उनको ये सुविधा निःशुल्क छोटू फाउंडेशन के माध्यम से मिल रहा है और ये सब बीड़ा उठाया है एक इस युवा ने। मैं मिलवाता हूँ इस युवा के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिकी है। अच्छा, ये बताइए, ये कैसे आपके मन में आया कि डेंगू का प्रकोप चल रहा है, इस चीज़ में मदद की जाए? मैं फिरोजाबाद के होम टाउन यहीं का है, फिरोजाबाद के रहने वाला हूँ। तो हम लोग जो है, मैंने ये चीज़ देखी कि समाचार पत्रों के माध्यम से देखा कि बच्चा स्वस्थ होकर जा रहा है, क्योंकि तुरंत अगर बच्चा जो है भर्ती हुआ उसके बाद उसकी अगर छुट्टी होती है तो उसके बाद वो उसको ऐसे ही निकाल देते हैं। 108 जो एम्बुलेंस है वो आने की व्यवस्था तो देती है लेकिन जाने की नहीं, उसको ऐसे ही निकाल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शौशय्या अस्पताल है फिरोजाबाद का, उससे जो बाहर जहाँ से लोगों को गाड़ियाँ मिलती हैं, आने जाने का जो भी साधन मिलता है वो करीब 1 किलोमीटर का दायरा है। उस 1 किलोमीटर के दायरे में भी बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, कीचड़ है, क्योंकि बारिश का मौसम। सुविधा कैसे दी आपने? तो सुविधा ये है कि 2 ई रिक्शा हमारे पास है। 2 ई रिक्शे जो हैं, यहाँ से जो भी मरीज डिस्चार्ज होते हैं उनको ई रिक्शे के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाया जाता है, सकुशल पहुँचाया जाता है। तो जिस तरीके से डेमो करके दिखाना पड़ता है और घर तो पहुँचा ही रहे हैं, साथ में किट भी मुहैया करा रहे हैं ताकि ये बीमारी जो है वो दोबारा से ना पड़ते। फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जालसाजी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 37 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। मामला दादरी थाना क्षेत्र का है। आरोपियों ने बैंक मैनेजर की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह गबन किया था। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने देर रात B2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 36 में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने देर रात 2 घरों में दीवार फांदकर चोरी की। आरोपियों ने सोने चांदी के जेवरात समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह घटना घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।